छोटा बच्चा है कानव, डेढ़ साल के हैं, कनव डेढ़ साल का है, और ये उनके पिताजी हैं अमित, ये इनकी माताजी हैं। कनव जब पैदा हुए थे तो उनको एक जेनेटिक डिसऑर्डर था, उस जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से वो उनके पैरों में बिल्कुल जान नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं थी, वो खड़े नहीं हो सकते थे, उनके पैर काम नहीं करते थे, और धीरे धीरे वो जो बीमारी है वो ऊपर शरीर पे जाने लग गई, उनका धीरे धीरे एब्डोमेन भी जो है वो भी लाइफलेस होने लग गया, बैठने में दिक्कत होने लग गई। जब इन्होंने खूब सारे टेस्ट चारों तरफ कराए तो पता चला कि इनको जेनेटिक डिसऑर्डर है, और अगर 24 महीने के अंदर इलाज नहीं कराया गया तो धीरे धीरे ये बीमारी ऊपर चली जाएगी, लंग्स भी काम करना बंद कर देंगे और इनके लिए जान के लिए खतरा हो सकता है। तो इन्होंने चारों तरफ पता किया तो पता चला कि इसकी एक ही दवाई है, एक इंजेक्शन है जो कि अमेरिका से आएगा, और वो 17.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन है, क्योंकि ये रेयर डिजीज है। इनका बताना है कि पूरे देश में अभी तक ऐसे 9 केस, भारत देश में अभी तक ऐसे 9 केस हुए हैं टोटल, और दिल्ली में ये पहला केस है। तो इन्होंने 17.5 करोड़ की मेडिसिन, ये बेचारे कैसे, एक मिडिल क्लास फैमिली कहाँ से 17.5 करोड़ लाएगी। तब इन्होंने हमारे एमपी संजीव अरोड़ा जी से संपर्क किया, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के एमपी हैं। संजीव अरोड़ा जी बहुत सारे चैरिटेबल काम करते हैं, इनकी कई सारी एनजीओज हैं, और उन एनजीओज के थ्रू ये लोगों के लिए मदद करते हैं, चैरिटी करते हैं। तो इन्होंने क्राउड सोर्स फंडिंग करके लोगों से अपील की और कहा कि कनव को बचाने के लिए आप लोग पैसा दीजिए, डोनेशन दीजिए। बहुत लोगों ने डोनेट किया, इस देश के अंदर अच्छे दिल वालों की, दानवीरों की कोई कमी नहीं है, बहुत लोग सामने आए। कुछ लोगों ने संजीव अरोड़ा जी से प्रश्न पूछा कि एक बच्चे के लिए आप इतना पैसा कैसे खर्च कर सकते हो, तो उन्होंने कहा कि आपके लिए एक बच्चा हो सकता है, उनके माँ बाप से पूछ के देखो, माँ बाप के लिए तो वो बेशकीमती बच्चा है। तो किसी तरह से इनको सब तरफ से मदद मिली, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने इनको मदद की, मैं उन सारे सेलिब्रिटीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने सभी पार्टीज़ के एमपीज़ से मदद ली, और कई पार्टीज़ के दूसरे एमपीज़ ने भी मदद की, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और फाइनली 10.5 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। फिर इन्होंने कंपनी को फ़ोन किया कि भाई 17.5 करोड़ का है, हमारे पास 10.5 करोड़ आ गए, अब इंजेक्शन दे दो। तो कंपनी वालों ने भी सहयोग किया, तो उन्होंने 10.5 करोड़ रुपए में ही वो 17.5 करोड़ का इंजेक्शन भेज दिया। हम कंपनी का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और केंद्र सरकार ने उसके ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी, तो हम केंद्र सरकार का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अब ये बता रहे हैं कि उसकी वजह से अब इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, जैसे पहले हाथ काम नहीं कर रहे थे, अब हम देख रहे हैं हाथ काम कर रहे हैं, पैरों में भी इम्प्रूवमेंट आने लगी है बच्चे के। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इसको लंबी आयु दे, और भगवान इसको खूब खुशहाल ज़िंदगी दे, और इसके माँ बाप को सभी किस्म की खुशहाली दे।